जाने में जाने वही जन पंडित हरि प्रसाद जी हमारे साथ बैठे योगी हैं। आज हमें ये सीखना है थोड़ा सा कि पंडित हरि प्रसाद चौरसिया कैसे बनाया जाता है, ये कैसे बनते हैं। इतना 15 साल के थे, 21 साल के थे, 31 के थे, 41 थे, 51 थे, 61 कैसे बने, क्या एक्सपीरियंस उनका, आप बताइए। The man who has achieved Padma Bhushan, honorary doctorate, North Odisha University, one of the 25 greatest global living legends in India, declared by NDP. He was born in Allahabad as a son of a wrestler. Can you read that? Yajan Lalbekh ho, कैन लिवर हो, योदी मईन हो, अजीन भाई रामपाल हो, ये वो बच्चा है। द मैन हु प्लेड फ्लूट ऑन बीटल्स 1968 बी साइड द इनर लाइट रिटन बाय जॉर्ज हैरिसन। ही स्टार्टेड हिज फर्स्ट जॉब, ए स्मॉल जॉब एट द ऑल इंडिया रेडियो कटक उड़ीसा in 1957. What a dream, what a beginning, and what a final zenith. He was welcomed by the best of the big film music composer as an ace futurist for movies in Bombay. But very soon he became a music composer, teamed with his friend Shiv Kumar Sharma, and composed evergreen film music for legend Yash Chopra and films like Silsila, Chandni, Dar. And I hope that you cannot forget a flute he played in my film called Hero. Somebody asked me, what is the difference of a film you made in 1983 and new film made by Salman Khan? I said, the difference of both the film is, flute is not there. Thank you very much, Hariji, for making our film as well. विद्यालय के बारे में, स्कूल के बारे में कहें, और आप उन दिनों की बात कहें जब आप एक विद्यार्थी थे, उस विद्या में विद्यार्थी के समय आपको क्या क्या कष्ट आए, कहाँ कहाँ आप अनकंफर्टेबल थे, कहाँ कहाँ आप कंफर्टेबल थे, और कैसे संक्षिप्त में आपका जो जोश और जो पैशन था वो कैसे काम आया। क्योंकि आज भी बच्चे उसी स्थिति में हैं जिस स्थिति में आप थे, तो वो उसको कंपैरिजन में लाना चाहेंगे। दो शब्द आदरणीय सुभाष जी, उनका परिवार, उनकी बेबी और विद्यार्थीगण। आज पहली बार मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं नर्वस फील कर रहा हूँ। नहीं, वो इसलिए नहीं, मैं सच कह रहा हूँ, मेरे दिल की बात। पहले तो ये कि मुझे सुभाष जी ने ऐसा अवसर दिया कि अभी सुभाष जी बोले थे जब आप विद्यार्थी थे, मैं अभी भी विद्यार्थी हूँ, अभी मैं सीखता हूँ। और जो सीखने का आनंद है वो सही में उसका बहुत ही एक अलग तरीके का आनंद है। सिखाने में आनंद नहीं है, जब हम टीचर हो गए तो उसकी बात क्या है,
लेकिन जब हम सीखते हैं फिल्म को समझना और फिर फिल्म को उसमें म्यूजिक की आवश्यकता है तो किस म्यूजिक की आवश्यकता है, क्या चाहिए उसमें, इन लोगों से ही मैंने सीखा है और अभी भी सीखता हूँ। अभी मैंने गुरुकुल, जैसे कहा सुभाष जी ने, गुरुकुल है मेरे, तो मैं बच्चों को लाता हूँ, उनसे बहुत कुछ सीखता हूँ और ऐसी ऐसी बातें सीखता हूँ कि आज मॉडर्न युग में किस तरीके से बारे में किस तरीके से समझाना है उसके बाद बजाना है। हमारे पुराने उस्ताद लोग तो सीधे बैठ जाते थे और आंख बंद करके शुरू हो जाते थे, कभी अनाउंस भी नहीं करते थे कि हम क्या करने वाले, और लोग ये सोचते ही नहीं दुनिया के बांसुरी बजवाने। तो आप लोगों में इतना भगवान ने वो दिया है, क्या कहना चाहिए, ताकत दी है, उसे बेकार है हमारे समझ में नहीं आता, लेकिन हम आप लोगों को देख के बहुत कुछ सीख जाते हैं। सच में कह रहा हूँ, जो आज के नवयुवक में जो एक शिक्षा की लालच है, लालच ये कहना चाहिए कि उनके में इतना लगाव आ जाता है कि वो बैठ जाते हैं एक बार तो दुनिया की किसी लाइब्रेरी में भी चले जाते हैं और वहाँ से किताबें देख के वहाँ से सीख लेते हैं। तो इतना नॉलेज भगवान ने दिया हुआ है। मैं आपको एक बात सच बताता हूँ, मैं जब भगवान की कृपा से, वैसे तो पहलवान का लड़का था और पहलवानी करता था, पढ़ाई लिखाई की इतनी इच्छा नहीं होती थी, लेकिन किसी तरीके से मैट्रिकुलेशन सुभाष जी बैठ जाए तो बढ़िया। नहीं मुझे अच्छा नहीं सर, मुझे अच्छा लगा। प्लीज़ आप प्लीज़ देखिए, प्लीज़ सर अभी उम्र नहीं है बैठने की। इसलिए नहीं, हमारे आदरणीय देख तो मेरे पूर्वजों ने ज़्यादा पढ़ाई नहीं किया था, पिताजी ने पहलवानी किया, तो उनका लड़का को स्कूल भेजा जा रहा है कि आप पढ़िए कुछ करके दिखाइए, आप क्या करें, हम क्या कर सकते हैं सिवाय पहलवानी के। तो खैर मेरी माँ, मैं बहुत छोटा था तो छोड़ के चली गई, तो मैंने कहा अगर मैं इनकी बात नहीं सुनूँगा तो एक पहलवान का हाथ अगर एक पढ़ के सब पढ़ता था और पढ़ के ऐसा करता था कि मैं मतलब किताब देख रहा हूँ और कान में कुछ म्यूजिक चल रहा है या सुन रहा हूँ कहीं से कुछ रिकॉर्ड बज रहा है, लेकिन वो आँख से देखा करता था, ज़्यादा पढ़ाई लिखाई नहीं किया। लेकिन चूँकि मेरे स्कूल में लोगों को मालूम था मैं बांसुरी बजाता, तो कोई भी कोई गेस्ट वेस्ट आया तो हमको बैठा देते, तो मैं कोई फिल्म का गाना बजा देता था, पुराने फिल्म का गाना, तो टीचर्स लोग बहुत खुश थे मुझसे। तो अगर मैं फेल भी होऊंगा ना, कहीं गिर पड़ा तो उठा लेते थे कि भाई पहलवान का लड़का है इसको मार पड़ेगी, तो मुझे अगर कहीं कम मार्क्स भी होगा तो पास कर देते थे। सर ये मैं सच बात कह रहा हूँ आपसे। तो क्या हुआ कि मैं जब SSC का आया तो बोर्ड होता उनका, वहाँ जाएगा पेपर ही होगा, लेकिन वहाँ भी लोगों को मालूम पड़ गया कि ये बांसुरी वादक है, तो मुझे कैसे करके 35% तो मिल ही गया। मैं सच बताता हूँ, मैं उस दिन ऐसा फील कर रहा था कि मैं अपने मोहल्ले का राजकुमार हूँ। साइकिल लेके और लड्डू लेके और हनुमान जी को चढ़ा के, वो मोतीचूर का लड्डू होता है, हनुमान जी को चढ़ा। मैं एक बात और कहना चाहूँगा, हमारे कुछ राग हैं जिसको कि आप देखेंगे वो हर जगह यूज हो रहे हैं, विदेश में भी यूज हो रहे हैं। पॉप म्यूजिक